धान कन्या पक्ष से आ जाता है, वर पक्ष और कन्या पक्ष की जो अंकुरण शक्ति है वो एक हो जाए, वो अंकुरण शक्ति एक हो जाए जिससे आगे वंश वृद्धि चलती रहे और सुख शांति फलना फूलना जिसको कहते हैं वो कायम रहे। तो अंकुरण शक्ति को मिलाते हैं, मिला देते हैं। बाद में जब इसकी आहुति की स्थिति आएगी तो इसको भुनवा देते हैं, दोनों पक्ष में भुना जाएगा, लेकिन भुना तब जाएगा जब अंकुरण शक्ति अपना स्थान बना ले। तो ये अंकुरण शक्ति की चीज है। जी जी ठीक है, क्योंकि चावल भी अंकुरित नहीं होता और भी कोई चीज अंकुरित होगा। स्वस्ति नैन्द्र उदस्रवा स्वस्ति नूखा विश्वेदा स्वस्ति नक्षो वरिष्ठ ने स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनोहरि ओं भद्रम कर्णे शृणयाम देवा भद्रम पशेम थवै यजत्रा स्थिरंगई तुष्वा शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नलक्ष्मी गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणी नमस्कृते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहि अहं भद्रं कर्णेभि श्रीयाम देवा भद्रम्। जल में अगर दूध मिलाया जाए तो उसको भी सारस पक्षी जो है दूध को अलग कर देता है, जल को वहीं छोड़ देता है। उसमें इतना सामर्थ्य इतनी शक्ति प्रकृति ने दिया है। जिस प्रकार से पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है, पपीहे में इतना बोध इतनी समझ। इंसान की समझ से अच्छे तो पशु पक्षी हैं, पपीहे में इतनी समझ है कि वो स्वाति के ही जल को पिएगा, पूरे साल पानी नहीं पिएगा, प्रतीक्षा करता रहेगा कि जब स्वाति नक्षत्र आएगा। और उसको कितना ज्ञान है स्वाति नक्षत्र का, मनुष्य को नहीं पता कि स्वाति क्या होता है। तो सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरिः तदैव लग्नं सुदिनं तदैव तारावलं चंद्रबलं तदैव विद्या बलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपति तेंग्रेव स्मरामि लाभस्तेषां ज्येष्ठेषां पुतस्तेषां पराजया येषां द्रीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः भद्रं कर्णे भीषणयाम देवा भद्रं पश्येम शिवयजत्राः स्थिरैरङ्गैः। लोग ये नहीं करेंगे, मतलब बांटेंगे नहीं, बटा दिए ना। अच्छा, तो ये जो पैसा है वो ये पैसा जो जाएगा ये पैसा लावा वहाँ भूजेगा ना। अच्छा, उसको होगा वो। पापा जी आप कितना रखे हैं लावा पूजने वाले के लिए? ज्यादा रखा क्या लग रहा है? उसमें 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 कुछ उसमें कुछ ग्यारह सौ वाला लेगा, कुछ और किसी को दे देंगे, एक जरूरी नहीं कि दोनों में बराबर है ना। हाँ, परिवार के लोग भूनते हैं, कोई बहन बेटी। अच्छा, इसमें से हम कुछ भूजेंगे कि नहीं? इसमें से मेरा कुछ हम भूजेंगे कि नहीं? तू कैसे भूजेगी? ज्योति भूजेगी। एक यहाँ वाला, यहाँ वाला इसकी बहन लोग भूजेगी, बहन जय। तब कम रखना चाहिए था बाबा। ओम शस्त्रेन्द्रो बुधस्वाह शुष्णः भूखा शिवेराः। आप खर्च करने की प्लानिंग कर लो। पहले तो आप सगन क्या दे रही हो अपनी देवरानी को? अरे मेरी छोटी बहन है।